दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी दोस्त पूनम चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको डेली के दिन की राशियों की जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन की, यानी 2 जुलाई। 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों आपके लिए पॉजिटिव है आज। ज़्यादातर काम पूरे होने से आप खुश हो जाएंगे। जो प्लान करेंगे उसका अच्छा फल भी आपको मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। थोड़ा पेशेंस रखें, अपने कामों से काम रखें। अपने मन की बात दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वे मदद भी करेंगे आपकी। आप अपने बॉस के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश भी कर सकते हैं आज। धन लाभ भी हो सकता है। और क्या नेगेटिव है आपके लिए आज, ऑफिस में विपरीत लिंग के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो सकते हैं। कोई अनजान डर भी आपको परेशान करेगा। आज आप जितना सोचेंगे उतना परेशान रहेंगे और मानसिक स्ट्रेस भी रहेगा आपको। आपके करियर की बात करते हैं तो कोई बड़ा सौदा करना चाह रहे हैं तो करें, कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। नई नौकरी की बात आपके दिमाग में चलती रहेगी। पैसे से जुड़े काम करने का दिन है आज। स्टूडेंट को अच्छी सफलता मिलेगी और स्टूडेंट को मानसिक तनाव भी रहेगा। आपके हेल्थ की बात करते हैं तो पुराना रोग भी खत्म हो सकता है। कोई जटिल स्थिति है तो वह भी बिगड़ सकती है आज। लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा आपको। आप किसी तरह का जोखिम उठाने से बचें, पार्टनर के लिए ईमानदार रहें। क्या करें मेष राशि वाले आज, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। तो ये था आज के दिन का हाल मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए क्या पॉजिटिव है आज, गोचर कुंडली के भाग्य भाव में आज चंद्रमा है। पिछले दिनों की मेहनत से आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। जॉब, बिजनेस और करियर के मामलों में आगे बढ़ने का समय है। अपनी पहचान और हैसियत बढ़ाने का समय है। नौकरी, बिजनेस और करियर के मामलों को लेकर आप उत्साहित हो सकते हैं। सामाजिक दायरा भी बढ़ा हुआ रहेगा। आज आप खुश रहेंगे और किसी दोस्त के लिए आज आप बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों से भी आज आप मिल सकते हैं। पॉजिटिव सोच आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप अपने काम योजना बनाकर पूरे करेंगे आज। पारिवारिक जीवन आपके लिए सुखद रहेगा और माता पिता की भी मदद मिल सकती है। और आपके लिए क्या नेगेटिव है आज, कोई बड़ा फैसला लेने में भी आप परेशानी महसूस करेंगे। कोई कदम उठाने और कोई बात कहने से आपको थोड़ा पहले सोच विचार करना ज़रूरी है। कोशिश में थोड़ी सी कमी होने से आपके काम अधूरे रह सकते हैं। गलत समय और गलत जगह पर आप अपना उत्साह दिखा देना आपका नुकसानदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। आपके करियर की बात करते हैं तो ऑफिस और बिजनेस के कई मामलों में आज फायदे का दिन है। किसी प्रतियोगिता का नतीजा आना है तो आपके लिए अच्छी खबर मिल सकती है। कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ के मामले में आज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं तो पार्टनर अलग अलग ढंग से प्रेम जताएंगे। दिन अच्छे से बीतेगा। पार्टनर के सहयोग से धन लाभ भी होगा और आपकी इनकम बढ़ सकती है। और क्या करें आज वृषभ राशि वाले, किसी भैरव मंदिर में काले कपड़े पर उड़द रखकर उस पर तेल का दीपक लगाएं। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है आज के दिन में पॉजिटिव, मन की बात कहने और दूसरों से बातें करने में आज आपकी पूरी रुचि रहेगी। बीती बातें आपके मन में चलती रहेंगी। दिन में आपको कुछ सुखद एहसास भी होंगे। किसी काम के लिए आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो सकती है। आप यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। आज आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखें, बस समय के साथ चलते रहें। दूसरों की मदद भी करनी होगी। इन मामलों को अपने स्तर पर आसानी से आज सुलझा सकते हैं आप। आज किसी नई बात या किसी छुपी हुई बात का पता लगाने के लिए आप सफल होंगे। और आज के दिन में क्या है नेगेटिव आपके लिए, किसी बात या किसी स्थिति के कारण आप बेचैन हो सकते हैं।
चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में है, इससे आप परेशान रहेंगे, अचानक नुकसान हो सकता है, आप थोड़ा सावधान रहें। परिवार के लोगों से बहस हो सकती है, कोई गलत काम आपने नहीं किया है फिर भी आप पर उसका आरोप लग सकता है, थोड़ा संभल कर रहें। आपके करियर की बात करते हैं तो रूटीन कामों से फायदा और धन लाभ हो सकता है, नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं बिजनेस में, स्टूडेंट खुश रहेंगे और स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी हेल्थ को लेके बात करें तो आपकी हेल्थ में मामूली गिरावट आ सकती है आज। लव की बात करते हैं तो लव पार्टनर को अपनी भावनाएं जताने का मौका दें, पार्टनर से सुख भी मिलेगा और यादगार दिन भी बनेगा, पार्टनर की रुचि को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या करें आज के दिन मिथुन राशि वाले, किसी भी मंदिर के दरवाजे पर हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाएं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए क्या है आज पॉजिटिव, मन की बात किसी और से शेयर करने की इच्छा रखेंगे, धन संबंधी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं, गोचर कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा होने से आपको फायदा हो सकता है। यदि आपको पैसों को लेकर किसी की जरूरत या मदद मांगनी पड़े तो वो तुरंत मिल जाएगी, तो आज आपको आसानी से मिल सकती है, मन बहुत सक्रिय रहेगा और आपकी किसी अच्छी घटना के इशारे मिल जाएंगे, भावुकता भी ज़्यादा होगी, नेगेटिव विचार दूर होंगे और सामने आ रहे अवसरों का प्रयोग करें। भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं, परिवार की मदद मिलेगी, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर ले लें। और क्या है नेगेटिव आपका आज के दिन में, आज आपको कम बोलना चाहिए, अपनी बात को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करें, कोई इंसान पैसे से जुड़ी बात मनवाने के लिए आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है, आप किसी दबाव में आकर फैसला लेंगे तो परेशान रहेंगे, किसी टेंशन या डर में कोई फैसला आप ले सकते हैं आज, इससे आप खुद का ही नुकसान करवा लेंगे, कल्पनाओं में अपना समय ना गंवाएं। आपके करियर की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र और बिजनेस की नई योजनाओं पर विचार हो सकता है, समय आने पर फैसला होगा, स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, कुछ नई चीजें सीख लें। लव लाइफ की बात करते हैं तो आज आप पार्टनर की चाल में फंस सकते हैं, लव लाइफ में कोई अच्छा बदलाव भी हो सकता है, हेल्थ के मामले में मानसिक तनाव और सर दर्द हो सकता है। और क्या करें आज कर्क राशि वाले, आपको चाहिए कि लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखें। बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह राशि वालों के लिए क्या है पॉजिटिव आज के दिन में, आज आपके पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है, इनकम बढ़ाने के भी कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं जिनसे आप खुद हैरान हो सकते हैं, हाल ही में कुछ ऐसे नए दोस्त मिल सकते हैं, आप अपनी पसंद या मनमर्जी के कामों के लिए उत्सुक होंगे, थोड़ा आराम भी कर लें, जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उससे आपको फायदा ही होगा, आज आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें और काम करने के तरीके में बदलाव करें, सब ठीक हो जाएगा। आपका नेगेटिव पहलू, आज आप जरूरत से ज़्यादा ईगो ना रखें, समय खराब हो सकता है, ऑफिस या फील्ड में नेगेटिव सिचुएशंस बन सकती हैं, सावधानी रखनी होगी, रिश्ते तोड़ने में जल्दबाजी ना करें, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन पर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा जोश भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, आप पूरी ताकत से काम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उसकी अपेक्षा न रखें, नौकरी में पदोन्नति तो नहीं लेकिन ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे हैं और यात्रा में भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, असफलता के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में सावधान रहने के योग हैं, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, इधर उधर के कामों में समय ना गंवाएं, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा, हेल्थ के मामले में भूख न लगने और नींद की कमी से कमजोरी आ सकती है,
लव लाइफ की बात करते हैं तो सिंह राशि के लोग विवाद में पड़ने से बचें। प्रेमी और जीवन साथी ही आपसे आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा। आप किसी को लव प्रपोजल ना भेजें, धैर्य रखें। और क्या करें आज के दिन, आप किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब या स्टेशनरी का कोई सामान दें। कन्या राशि, बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए पॉजिटिव है आज। आज आपको लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगेगा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा और उनको अच्छी तरह निभा भी लेंगे। आसपास के लोगों से सहानुभूति रखें, लोग आपसे खुश रहेंगे। कुछ जरूरी मामलों पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। ऑफिस के किसी काम में अपने साथ के लोगों से आज आप आगे निकल सकते हैं। किस्मत से पूरा होता है काम आपको खुशियां देगा, सफलता का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। दूसरों की मदद करें और दूसरों से मीठा बोलें। आपका नेगेटिव पहलू, कुछ लोग गुप्त रूप से आपका विरोध कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को लेकर सावधान रहें। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो खुद का ही नुकसान हो सकता है। किसी तरह की राजनीति में आप उलझ सकते हैं, इससे आपका समय भी खराब हो सकता है। थकान और तनाव की स्थितियों में भी फंस सकते हैं। ऑफिस में कोई कठिन स्थिति भी बन सकती है। आज आप कोई महत्वपूर्ण फैसला जोश में आकर ना करें। आपके करियर की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में सहयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुद के दम पर महत्वपूर्ण काम आज आप निपटा ही लेंगे। शेयर मार्केट से फायदा होने के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ के मामले में ज्यादा मेहनत से परेशान हो सकते हैं और सिरदर्द भी हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी, दिन भी खुशनुमा रहेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। और क्या करें आप आज के दिन, अपनी बहन, मौसी या किसी भी महिला मित्र को मिठाई खिलाएं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए क्या पॉजिटिव है आज। पैसों के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। पैसों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए आपको कई मौके मिल सकते हैं। धैर्य जरूर रखें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। कोशिशों में आप अपने लिए कुछ नए अवसर पैदा कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिशों से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखें, कोई गोपनीय बात भी आज आपको पता चल सकती है, उसे मन में ही रखें। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, कोई प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। किसी को प्रपोज करते हैं तो उसे स्वीकार किए जाने की संभावना है। किसी खास व्यक्ति के लिए आपके मन में रोमांटिक विचार रहेंगे और दोस्तों से भी मदद मिलेगी। और आज क्या नेगेटिव है आपके लिए, ज्यादा संवेदनशीलता की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। किसी छिटपुट विवाद या गलतफहमी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, कोई काम ना हो तो उसे छेड़े नहीं। चंद्रमा गोचर कुंडली के चौथे भाव में होने से आपको मानसिक परेशानियां रहेंगी। जो काम आपको पसंद नहीं उसे बिल्कुल नहीं करें। किसी निजी जरूरतों के प्रति सावधान रहेंगे। किसी भी मामले में कोई सुधार या किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश ना करें। पैसों का तनाव चलता रहेगा। करियर की बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों को तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को मनचाहे हालात से सुख मिलेगा। स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं, थोड़ा तनाव भी रहेगा और पढ़ाई में मन कम लगेगा। हेल्थ की बात करें तो आज आपको चोट लग सकती है, वाहनों से थोड़ा सावधान रहें। लव लाइफ में अपनी जिद पार्टनर पर ना थोपें। दिन सामान्य है, संबंधों में कोई समस्या है तो बड़ों की मदद ले सकते हैं आज आप। और क्या करें आज आप, दूध और पानी एक साथ मिलाकर पिएं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है आज के दिन में पॉजिटिव। बहुत सारे काम काज निपटाने के लिहाज से आपके लिए दिन खास है। लोग आपसे सलाह लेंगे, आप शांत सौम्य अंदाज में उनकी मदद करेंगे। आप पूरे मन से अपने कामों में लग जाएंगे। गोचर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आपकी राशि के लिए स्थिति अच्छी रहेगी।
जो भी उलझे हुए काम बचे हैं सब सुलझ जाएंगे। सही ढंग से विचार करके ही योजना बनाएं, धैर्य रखें, हर काम को ध्यान से करें, प्रेमी के साथ समय बीतेगा। और क्या है नेगेटिव आज आपके लिए? माता पिता या किसी रिश्तेदार की चिंता हो सकती है, कोई कदम उठाने में आप जल्दबाजी ना करें, कुछ लोग आपकी बातें या प्लानिंग सुनने और मानने की स्थिति में नहीं है आज। आप कुंठित भी हो सकते हैं, आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, पुराने मामलों और समस्याओं से मूड खराब हो सकता है, कामकाज के मामले में आप थोड़े सुस्त भी रहेंगे। करियर की बात करें तो आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं, मेहनत बढ़ी हुई रहेगी, गलत बातों और गलत कामों को सही बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा रहेगा, कुछ लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सावधान रहें, आलस्य और थकान हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं, अपने मन की बात कहने से आज आप थोड़े संकोची हो सकते हैं, पुराने प्यार से भी मुलाकात हो सकती है, लव पार्टनर पर खर्चा होगा। और क्या करें वृश्चिक राशि वाले आज आप किसी पंडित जी से दाहिने हाथ में मोली, जिसे कलावा भी कहते हैं, वो बंधवाएं और उनको दक्षिणा दें। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए क्या है आज के दिन में पॉजिटिव? अपने लक्ष्य को लेकर बहुत मेहनत कर सकते हैं, धन लाभ होने के पूरे योग हैं, नया बिजनेस पार्टनरशिप और रोमांस के लिए दिन अच्छा है। कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जो भी फैसला लें उससे पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आज आपकी तारीफ भी होगी और सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। और क्या नेगेटिव है आज आपके लिए? किसी मामले में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है, बिजनेस में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पुराने लेन देन की बात अनदेखी करने से बचें। आज आप किसी काम पर आसानी से ध्यान नहीं लगा पाएंगे, खुद पर थोड़ा कंट्रोल करें, फालतू कामों में उलझ भी सकते हैं, इससे आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है। करियर की बात करें तो समझदारी का फायदा भी मिलेगा, बिजनेस में नई संभावनाएं देखें, समय आपके लिए अनुकूल है, कुछ स्टूडेंट को उम्मीद से कम परिणाम मिल पाएंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो पेट के रोग हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें, किसी तरह की एलर्जी भी आपको हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर की बात या ज़रूरत समझे बिना उस पर हावी होने की कोशिश ना करें, खुद पर नियंत्रण रखें, पार्टनर से प्यार, सरप्राइज और सहयोग मिलेगा। और क्या करें आज के दिन धनु राशि वाले, आज के दिन आप पुरानी फाइलें और फालतू कागज फाड़कर फेंक दें, काम करने की टेबल को साफ रखें। आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या है पॉजिटिव आज के दिन में? आपके लिए आज का दिन अच्छा है, बहुत से कामों में मन लगेगा, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, जिस काम में आपकी मेहनत लगेगी उसके नतीजे भी अच्छे मिलेंगे, अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, समय आपके साथ है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, पैसों की स्थिति में बदलाव के योग बन रहे हैं, लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। और नेगेटिव पहलू क्या है आपका? आपको पैसा मिल सकता है, विवादों और विवादित लोगों से दूर ही रहें, कोई बड़ा फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कर लें, कुछ गलत फैसले होने की भी संभावना बन रही है, ज़्यादा खर्चा हो सकता है, फालतू चीज़ों की खरीदारी हो सकती है, बेवजह किसी जोखिम में ना पड़ें, उससे आप परेशान हो सकते हैं। आपके करियर की बात करते हैं तो कुछ मामलों में आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में स्थिति आपके फेवर में हो सकती है, स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेंगे, पुरानी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, कोई खुशखबरी मिल सकती है। हेल्थ की बात करें तो आपकी सेहत ठीक ठीक रहेगी, पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। लव लाइफ में निजी संबंधों पर बाहर के मामले हावी हो सकते हैं, प्रेम में सभी मामले निपटाने की कोशिश करेंगे,
अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। और क्या करें आज आप आज के दिन 10 साल से कम उम्र की कन्या के पैर छुएं। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का पॉजिटिव पहलू देखते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि में से 12वीं राशि में रहेगा। आप योजनाएं बनाएं और उस पर काम करना भी शुरू कर दें। आपके पास रोजगार नहीं है तो आप किसी न किसी आमदनी का जरिया खोज लेंगे। नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। आत्मविश्वास और सकारात्मकता दोनों बहुत अच्छे स्थिति में है। खुली बातचीत आपको अच्छे मौके दे सकती है। परिवार में सुख शांति रहेगी। जरूरी काम काज के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। नेगेटिव पहलू, कुंभ राशि के लोग आज रोजगार से असंतुष्ट रहेंगे। सावधान रहें, आप किसी चीज में अति कर सकते हैं। ज्यादा चतुराई आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सावधान और गंभीर रहें। थोड़ी थकान भी महसूस हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम है तो सावधानी रखें। किस्मत का सहयोग नहीं मिलने से थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपके करियर की बात करते हैं तो बिजनेस और कार्य क्षेत्र के लिए दिन कुछ खास नहीं होगा। नया निवेश ना करें, खर्चे बड़े हुए रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में आज सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें। लव लाइफ में आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। कोई उमंग और हसरतें भी आपके मन में रहेंगी। पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। रिश्तों को संभालें। और क्या करें आप आज के दिन, पूर्व दिशा में अपने इष्ट देव को दीपक लगाएं। दीपक में कुमकुम डालें और पास में लाल फूल रखें। अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए क्या है पॉजिटिव आज के दिन में, जिन छोटी मोटी चीजों की इच्छा करेंगे वह पूरी होती जाएंगी। गोचर कुंडली के लाभ भाव का चंद्रमा आपके लिए शुभ रहेगा। दिन यादगार भी साबित हो सकता है। उत्साह रहेगा। किसी योजना या परेशानी का समाधान मिल जाएगा। कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार भी साबित हो सकता है। आपको जरूरत के समय किसी न किसी की सहायता मिल ही जाएगी। किए गए कामों से पूरा फायदा भी मिलेगा। कर्जे से छुटकारा पाने की कोशिश सफल हो सकती है। संकोच और घबराहट खत्म हो जाएगी। और आज आपके लिए क्या नेगेटिव है, आज आप अपनी ही कोई गलती छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा चतुराई से भी आपको नुकसान हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा काम होने से आज आपको थकान हो सकती है। मीन राशि के लोग थोड़े संभल कर रहें। हेल्थ करियर की बात करते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें। स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हेल्थ के मामले में पेट की तकलीफ कम हो सकती है। मधुमेह के रोगी खुद का ध्यान रखें। लंबी यात्रा पर जाने से बचें, सेहत बिगड़ भी सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं तो लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन में जो चिंता है उसे खुलकर बताएं। पार्टनर से पुराने संबंध सुधरेंगे। और क्या करें मीन राशि वाले, आज किसी मंदिर या धर्म स्थान पर निशुल्क सेवा दें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का राशिफल। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आगे भी हम आपके लिए जानकारियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये ऑडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।